सवाल की करेंगे। केरवा डैम के दो गेट खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब हो गया। जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। केरवा डैम का फुल टैंक लेवल 509.93 फीट पर पहुंच गया है। और आपको बता दें कि जब हवाएं चल रही थी तो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके चलते दो गेटों को केरवा डैम के खोल दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम लबालब है। आकर्ष शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, डैम के दो गेट खोले गए हैं, लेकिन निचली बस्तियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा की? प्रेरणा, जिस तरीके से जो है निचली बस्तियों में अलर्ट किया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों को अलर्ट किया गया है। वो लगातार निचले इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिससे किसी तरीके से कोई दुर्घटना हो सके। उसके बाद यदि मैं बात करूं, 509.93 फीट जो है जलस्तर पहुंच गया था केरवा डैम का, फुल टैंक लेवल है। और यही कारण है कि दो जो गेट है उनको खोला गया है। ऑटोमेटिक तरीके से ये गेट खुले हैं। पहले एक नंबर गेट खुला, फिर उसके बाद पांच नंबर गेट खोला गया है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के बाद ये फुल टैंक हुआ है, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए गेटों को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में जो औसत बारिश है उससे कम बारिश दर्ज की गई है। गर्मी में हालात न बिगड़े, यही कारण है कि करीब एक घंटे का नगर निगम ने समय तय किया है, एक घंटे तक गेट खोले जाएंगे, उसके बाद गेटों को बंद कर दिया जाएगा। प्रेरणा, बहुत शुक्रिया आकर्ष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि थोड़े ही समय के लिए इन गेटों को खोला जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, निचली बस्तियों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं।